दिस इज द स्टोरी ऑफ लकीएस्ट मैन अलाइव। एक आदमी जिसने मौत को मात दी, 14 दिन कोमा में रहा और फिर करीब $2.5 लाख लॉटरी जीता, वो भी दो बार। 1998 में ऑस्ट्रेलियन मैन बिल मॉर्गन को बहुत खतरनाक हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स ने उनकी जान तो बचा ली, पर उसके तुरंत बाद उन्हें 14 दिन कोमा में रहना पड़ा। इस इंसिडेंट के तकरीबन एक साल बाद बिल एक स्क्रैच लॉटरी खरीदते हैं, जिसमें उन्हें $30,000 की लॉटरी लगती है। उस वक्त यह खबर काफी चर्चा में आई और मेलबर्न टीवी स्टेशन ने उन्हें अपनी स्टोरी बताने और टीवी इंटरव्यू के लिए सीन को रिक्रिएट करने को कहा। बिल ने ठीक वैसा ही किया। बिल ने जैसे ही लॉटरी खरीद कर लाइव टीवी पर स्क्रैच करा, किस्मत के धनी बिल की फिर से लॉटरी लग गई। इस बार वो भी पूरे $2.5 लाख की। I just won $250,000.